हेलो गाइस, स्वागत है आपका टेक्निकल जांगिड। मैं पंकज जांगिड आपका इस शो पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं, अगर आपका कोई भी लोन चल रहा है, चाहे होम लोन हो, चाहे कार लोन हो, चाहे पर्सनल लोन हो, आप उनको किस तरह फोरक्लोज करा सकते हैं, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। क्या आप सारे लोनों को घर बैठे क्लोज करा सकते हैं, नहीं करा सकते, क्या प्रोसीजर रहता है, किस तरह आप बंद कराना है, तो इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो के साथ जुड़े रहिए। मैं पंकज जांगिड, आप देख रहे हैं टेक्निकल जांगिड। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं किन लोनों को आप घर बैठे फोरक्लोज करा सकते हैं। दोस्तों, ऐसा लोन जो आपने घर बैठे लिया हो, यानी ऐसा लोन जो चाहे प्री अप्रूव लोन हो, चाहे लोन अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड हो, या कोई भी ऐसा लोन जो आपने ऑनलाइन लिया हो, उसे आप ऑनलाइन क्लोज करा सकते हैं। बाकी जितने भी लोन हैं, चाहे कार लोन हो, चाहे होम लोन हो, चाहे मॉर्गेज लोन हो, उन सबको आपको बैंक में जाके बंद कराना होगा। किसी भी लोन को फोरक्लोज कराते हैं तो उसको हम दो तरीके से करा सकते हैं। एक तो दूसरे बैंक के अंदर हम अपना अकाउंट शिफ्ट कर रहे हैं तो वो बैंक आपके लोन को क्लोज करवा देती है। दूसरा, आप अपने खुद के अमाउंट से बंद करा रहे हैं। जब भी आप किसी लोन को फोरक्लोज कराते हैं तो आपको एक आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल का पता होना जरूरी है, जो इसकी वीडियो में हम देखेंगे किस तरह आप कैलकुलेट कर पाएंगे आपका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कितना है। उसके अलावा दोस्तों, सबसे पहले आपको ब्रांच के अंदर आपकी जाना होगा, आपको बोलना होगा मुझे एक अकाउंट फोरक्लोज कराना है, खुद के फंड से कराना है। अगर आप कहते हैं खुद के फंड से कराना है तो आपको खुद का ही चेक देना होगा। अगर आप दूसरे बैंक से करा रहे हैं तो उन्हें आपको कहना होगा मैं बेटी करा रहा हूं, इस रीजन से करा रहा हूं, तब वो आपका अकाउंट फोरक्लोज करेंगे। जितने भी प्राइवेट बैंक है दोस्तों, फोरक्लोज कराते टाइम बहुत नखरे हो जाते हैं, वो फोरक्लोज नहीं करना चाहती क्योंकि उसे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो बंद करना ही नहीं चाहती है। तो उन्हें आपको जाके डायरेक्टली बिल्कुल स्पष्ट कहना होगा कि मुझे मेरा लोन क्लोज कराना है और मुझे फोरक्लोज फॉर्म दे दीजिए, और उसको आप फॉर्म फिलअप करके उनको सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप उसे सबमिट कर देते हैं, उसके 10 से 15 दिन के बाद आपको एक फोरक्लोजर अमाउंट पता लग जाता है, आपको इतना फंड है, उसका टाइम पीरियड होता है, इतने दिन के अंदर आपको जमा करना होगा, उतने अमाउंट का आपको चेक जाके बैंक के अंदर देना है, और उसके बाद आपका अकाउंट 10 दिन के अंदर अंदर बंद हो जाएगा, और आपके प्रॉपर्टी के पेपर है तो वो आपको मिल जाएंगे, NOC आपको हाथों हाथ मिल जाएगी। इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, कितना आपका फंड बाकी रह गया है, तो इसको कैलकुलेट करने के दोस्तों अलग अलग तरीके होते हैं। हर वेबसाइट के अंदर आपको जिस भी बैंक के अंदर आपने लोन ले रखा है उसका एक प्रोसीजर होता है, चाहे HDFC हो, चाहे ICICI हो, चाहे HDB फाइनेंस हो, चाहे कोई भी एक्स्ट्रा बैंक हो, सभी का एक इंटरेस्ट रेट का एक ऑप्शन मिलेगा आपको उसकी वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पर आप जाके देख सकते हैं इसका फोरक्लोज चार्ज कितना है। फोरक्लोज चार्ज दोस्तों डिपेंड करेगा आपको लोन कितना टाइम हो गया उसके अंदर। काफ़ी लोन तो ऐसे होते हैं जो 6 महीने तक बंद नहीं हो सकते। आपने लोन ले लिया, 6 महीने तक आप ना उसके अंदर कोई पार्ट पेमेंट कर सकते हैं, ना कोई आप उसे में फोरक्लोज करा सकते हैं। 6 महीने के बाद अगर आप बंद कराते हैं तो किसी में 4% का चार्ज लगता है, किसी में 2% का, किसी में 5% का चार्ज भी लगता है। जितने प्राइवेट बैंक हैं उन सब में 4-5% का लगता है। अगर आपने 36 मंथ EMI पे कर दी है तो उसके बाद जो आपको फोरक्लोज चार्ज हाफ हो जाता है, जितना भी चार्ज होता है उसका हाफ हो जाता है, प्लस GST हो जाता है। तो ये सब हम कैलकुलेट करेंगे किस तरह आप फोरक्लोज अमाउंट निकालेंगे। दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर के डिस्प्ले की ओर, देख लेते हैं किस तरह आप कैलकुलेट कर पाएंगे, किस तरह आप जान पाएंगे कि आपका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कितना है, और आप जब आप बंद कराएंगे तो आपको कितना चेक उनको देना होगा। दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर के डिस्प्ले की ओर। सबसे पहले दोस्तों, आपको जिस भी बैंक के अंदर आपका लोन चल रहा है उसकी वेबसाइट पे आपको जाना है। जैसे कि मैं आपको 2-3 एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि हम चलते हैं HDB फाइनेंस की वेबसाइट पे, और इसके अंदर आप जाके आप देखेंगे फी एंड चार्जेज ऑप्शन के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे दोस्तों लोन के फोरक्लोज के। जैसे कि आप ऑप्शन आप इसके अंदर देख पा रहे हैं, इसके अंदर 2 टाइप के प्रोडक्ट है, इसमें 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। एक तो जैसा कि दोस्तों जो है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है, एक है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। आपका लोन कौन सा है वो आप देख लीजिए इसके अंदर, उसके अंदर कैटेगरी डिवाइड की गई है। जैसे कि 0 से 6 महीने के बीच में आप फोरक्लोज नहीं करवा सकते, उसके बाद 6 से 12 महीने के बीच में फोरक्लोज कराते हैं तो आपका 4% का चार्ज लगेगा, और 12 से लेकर 36 महीने के बीच में आप क्लोज कराते हैं तो आपका 4% प्लस GST लगेगा। अगर आप 36 मंथ के बाद कराते हैं तो आपका चार्ज 2% प्लस GST लगेगा। अगर आप 36 मंथ EMI पे कर देते हैं तो ये हाफ हो जाएगा। और आपको जो भी लोन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे यह भी हम जानने वाले हैं। जो आपका प्री पेमेंट है वो आप 25% कर सकते हैं आपका आउटस्टैंडिंग जो भी प्रिंसिपल है उसका। इसी तरह बात करते हैं, जैसे कि ICICI के अंदर आपका कोई लोन चल रहा है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं।
इसकी वेबसाइट के अंदर आप आके लैपियन चार्जर के अंदर ऑप्शन के अंदर आप जाके प्री पेमेंट चार्ज के अंदर आप जब जाएंगे वहां पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा दोस्तों, जैसा कि अगर आपका लोन फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है तो भी 4% का रहेगा और अगर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है तो भी 4% का रहेगा। सो इसके अंदर ये जो चार्जेज है जो फोरक्लोज के अंदर लगते हैं वो चार्जेज है। इसी तरह बात करें दोस्तों एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक के अंदर भी अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन है। आपका जो भी लोन चल रहा है सबसे पहले आपका वो सर्च करना है, चाहे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो या पर्सनल लोन हो, जो भी टाइप का लोन है वो आपको पहले यहाँ पे सर्च करना है। उसके बाद उसको आपको फी एंड चार्जेस के ऑप्शन के अंदर आपको जाना होगा। यहाँ पे आप जाके आप पार्ट पेमेंट कितना कर सकते हैं यह भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि 25% आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कर सकते हैं। उसके बाद फोरक्लोज चार्ज की आप बात करें तो इसके अंदर जैसे 3% फोरक्लोज चार्ज बता रहा है। तो इसी तरह हम बात करते हैं HDFC की, तो HDFC के अंदर जैसे कि ये अब कौन से लोन है, ये है लोन अगेंस्ट कार। अगर आपने कोई कार के अगेंस्ट लोन ले रखा है तो वो देख लीजिए, अगर आपने और कोई लोन ले रखा है तो बोरोवर के अंदर आप जाके जो भी आपका लोन चल रहा है आप उसको सर्च करेंगे, उसके अंदर फी एंड चार्ज ऑप्शन को आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको लोन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कितना चार्ज इसके अंदर लगता है। जैसे कि इसके अंदर दोस्तों पार्ट पेमेंट चार्ज जो है इसके अंदर वो भी 25% आप आउटस्टैंडिंग का प्रिंसिपल जमा करा सकते हैं और उस पर आपको 5% का पार्ट पेमेंट चार्ज देना होगा। सो इसी तरह आप अगर लोन को फोरक्लोज करना चाहते हैं तो फोरक्लोज चार्ज भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अंदर अलग अलग सिस्टम दिए गए हैं, हर वेबसाइट का अलग अलग सिस्टम होता है, उसी के अकॉर्डिंग जैसे कि 5% ये बता रहा है अगर आप प्री पेमेंट करेंगे तो 5% का चार्ज लगेगा 13 महीने से 24 महीने के बीच में करते हैं, तो अगर आप 24 महीने के बाद करते हैं तो 3% का प्री पेमेंट चार्ज लगेगा। सो दोस्तों ये सिस्टम है इसके अंदर। इसी तरह बात करते हैं अगर आपका HDFC के अंदर कोई दूसरा लोन चल रहा है, जैसे कि प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन चल रहा है तो उसको भी आप होम लोन वगैरह चल रहा है तो वो उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो इसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि आप कौन से कैटेगरी के अंदर आते हैं, कितना आपके चार्ज लगेगा। जब आपको ये सब पता चल जाता है उसके बाद आपको एक एक्सेल की फाइल रेडी करनी है, जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था किस तरह आप अपने लोन को EMI के शेड्यूल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं आई बटन के अंदर उसको भी सेट कर दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। इस तरह आप एक कैटेगरी बना लेंगे आपके जितना भी लोन की टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसे कितने मंथ का लोन है, तो इसके अकॉर्डिंग आप ये बना लेंगे। इस फाइल का लिंक भी मैंने आपको दे दिया है उस पहले वाले वीडियो के अंदर, इसके अंदर भी मैं आपको दे दूंगा, ये आप डाउनलोड करके डायरेक्टली आप अपने लोन को कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने के दौरान ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप प्रिंसिपल इसके अंदर लगाएंगे, जैसे कि आपका प्रिंसिपल है 12 लाख रुपये आपका प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी आपकी है इसके अंदर वो आप इसके अंदर लगा देंगे, जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 11.25 है और आपने ये कितने टाइम के लिए लिया है उतने मंथ आप यहाँ पे लगा देंगे। जैसे कि हम इसके अंदर 84 मंथ लगा देते हैं तो हमारी EMI ये बन जाती है। इसी तरह यहाँ पे भी ये कैलकुलेट किया गया है, तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल को चेंज करना है इसके अंदर, तो यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, जो भी आपका लोन अमाउंट है वो आप चेंज कर दीजिएगा यहाँ पे। जैसे ये चेंज हो रहा है तो ये सारा ऑटोमेटिक कन्वर्ट जैसे हुआ है, तो इसी तरह यहाँ पे सबसे पहले आपको EMI कैलकुलेशन के अंदर आपको आना है। सबसे पहले यहाँ पे जो 14 लिखा है वहाँ पे आपको चेंज करके जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लिख देंगे। वो लिखने के बाद अगर आपका टाइम पीरियड 60 मंथ है तो ठीक है, अगर जो भी अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे आप उतने मंथ लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे 60 मंथ लिखा है, यहाँ पे हम 84 कर देते हैं। उसके बाद बाकी सेम टू सेम रहने दीजिए, उस बाकी को चेंज करने की जरूरत नहीं है, एंटर प्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको जो इंटरेस्ट ऑप्शन है इसके अंदर आना है, यहाँ पे जो 14% जो आपका ATR लेके जो यहाँ पे जो 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है इसको भी आप चेंज करके 11.25 कर देंगे, तो ये भी चेंज हो गया है। सो ये सब चेंज हो चुका है। अब उसके बाद दोस्तों आपको इस जो मतलब फाइल है इसको आगे सेट करनी है, इसको पकड़ के हम नीचे ले जाएंगे, पूरी को लास्ट तक ले जाते हैं। जैसे कि 60 मंथ तक है तो हम इसे 84 मंथ तक ले जाएंगे, इसको आपको पकड़ के स्क्रॉल कर लेना है। उसके बाद जो मंथ है इसको भी आपको सबसे पहले पकड़ के इसको 84 मंथ तक लेके जाएंगे, जैसे कि ये इसको फिल सीरीज में करके नीचे ले जाएंगे हम इसे 84 मंथ तक। ये हो गया है 83, ये हो गया 84, ओके। उसके बाद सेम इसी तरह इसको पकड़ के
पूरी हम एक साथ ही इस कैटेगरी को पकड़ लेते हैं और पकड़ के नीचे ले जाते हैं। ये 84 मंथ के लिए जैसे कि हमारी एक पूरी कैटेगरी बन चुकी है। जैसे कि हमारी ईएमआई है 20,705 रुपए, जो भी आपकी ईएमआई वो आपको पता लग जाएगी। उसके बाद आपका इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल जो ईएमआई इसमें जा रहा है वो आपको पता लग जाएगा, जो प्रिंसिपल में से जा रहा है वो आपको पता लग जाएगा। सो ये पूरी कैटेगरी आपकी बन चुकी है। जब आपकी 84 मंथ पूरे होंगे तब आपकी जो प्रिंसिपल है आउटस्टैंडिंग वो जीरो हो जाएगा। जब भी हमें लोन फॉर क्लोज कराना होता है तो हमें एक पता लग जाता है कि 25 मंथ पे हम करा रहे हैं। जब भी हम कराते हैं तो हमें पता लग जाता है कि इतनी ईएमआई हमने पे कर दी है। सो मान लीजिए आपने 36 ईएमआई पे की, चलो मान लेते हैं 24 ईएमआई आपने पे की है, 24 ईएमआई पे की है, आपका आउटस्टैंडिंग जो है वो है दोस्तों 9,46,847 रुपये। तो यहाँ पे हम एक वापस एक टेबल क्रिएट कर रखी है, यहाँ पे आप लिख लीजिए जो भी आपका आउटस्टैंडिंग है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे कि 9,46,847 रुपये आपकी जो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है। उसके बाद दोस्तों फोरक्लोज चार्ज, फोरक्लोज चार्ज को किस तरह कैलकुलेट करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे। वैसे तो ये मैंने पूरी टेबल बना रखी है, इसके अंदर सिर्फ आपको इसके अंदर चेंज करना है वो आपका जो फोरक्लोज चार्ज परसेंट है वो आपको चेंज करना है, बाकी कुछ भी चेंज करने की नीड नहीं रहेगी। सो हम जैसे कि इसके अंदर बता देता हूँ एक बार फिर भी, जो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है सबसे पहले उसको सेलेक्ट करेंगे इक्वल टू लगाने के बाद, फिर मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे जो चार्ज लगेगा फोरक्लोज चार्ज जैसे कि 4% आपका लग रहा है वो सेलेक्ट करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे और 100 करके एंटर प्रेस करेंगे, तो ये आपका जो है फोरक्लोज चार्ज आ गया है। फोरक्लोज चार्ज आने के बाद हम जीएसटी कैलकुलेशन करेंगे, जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए इक्वल टू लगाएंगे और जो फोरक्लोज अमाउंट है उसको सेलेक्ट करके मल्टीप्लाई बाय 18 करेंगे, क्योंकि दोस्तों आईजीएसटी वो है 18% है, डिवाइड बाय 100 कर देंगे। तो ये हमारा जो आ चुका है दोस्तों वो आ गया हमारा जीएसटी कैलकुलेशन। अब हम इसको टोटल ऐड कर देंगे, टोटल ऐड करने के लिए इक्वल टू लगाएंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें पता चल चुका है 9,47,538 रुपये हमें 24 मंथ के बाद यानी पे कर देने होंगे अगर हम इसे फोरक्लोज कराते हैं तो। अब बात करें हमने कितनी ईएमआई पे कर दी थी, तो टोटल हमने जो ईएमआई है दोस्तों वो की थी 20,705 रुपये की, 24 ईएमआई पे कर दी थी। तो हम इसको अगर कैलकुलेट करें तो हमने 4,96,920 रुपये पे कर दिए थे और 9,91,000 अभी भी हमें और देने हैं 12 लाख में से, यानी हमने ईएमआई 9,96,000 पे की थी, उसमें से जैसे 12 लाख का हमारा प्रिंसिपल था, हमारा 9,46,000 बाकी यानी 2.5 लाख रुपये के अप्रोक्सीमेटली आपके प्रिंसिपल में जमा हुए थे, बाकी सारा इंटरेस्ट के अंदर जमा हुआ था। सो दोस्तों आप इस तरह वेबसाइट पे जाके फोरक्लोज चार्ज देख सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं आप जब अगर लोन को बंद करा रहे हैं तो फोरक्लोज अमाउंट आपको कितना देना होगा। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरह आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दोस्तों आप जान गए होंगे किस तरह आप अकाउंट को फोरक्लोज करा सकते हैं, किस तरह आप अपना फंड देख सकते हैं, कितना फंड आपके बाकी रह गया, कितना आपको चेक उनको देना होगा। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप आगे हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों हम ऐसे फाइनेंस के रिगार्डिंग वीडियो डे टू डे लाते रहते हैं। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।